अंबर पुलिस ने एक ऐसे शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सरकारी योजनाओं का पैसा बड़े ही शातिर तरीके से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया करते थे। पुलिस ने ऐसे 8 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनसे कई उपकरण भी बरामद किए हैं। ये खबर आपको देखना इसलिए भी जरूरी है कि हो सकता है कि कल आप भी इसी तरह ठगी के शिकार ना हो जाए। तस्वीरों में दिख रहे पुलिस गिरफ्त में यह 8 आरोपी बड़े ही शातिर तरीके से लोगों का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया करते थे जिनका पुलिस ने पर्दाफाश किया है। खुलासा करते हुए संभल के SP चक्रेश मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने एक शातिर किस्म के गैंग का पर्दाफाश किया है। यह गैंग गांव देहात के अनपढ़ लोगों की KYC कराने, श्रम कार्ड बनवाने के बहाने उनके आधार कार्ड पर अंगूठे के निशान लेकर उनके नकली अंगूठे की छाप मशीनों की सहायता से तैयार कर लिया करते थे और फिर लोगों के आधार कार्ड से जुड़े खातों से उनके द्वारा तैयार किए गए नकली अंगूठे की मदद से ऑनलाइन माध्यम से लोगों के पैसे निकालकर धोखाधड़ी कर लिया करते थे। ये गैंग ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार इस तरह की धोखाधड़ी को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार के कई लोगों के धोखे से अंगूठे के निशान लेकर उनका नकली क्लोन बनाकर उनके आधार कार्ड की जानकारी लेते थे और उनके खातों से धनराशि पकड़े गए पुनीत और राहुल के खातों में ट्रांसफर कर पैसा निकाल लिया करते थे और बाद में उस पैसे को आपस में बांट लिया करते थे। बेखौफ लोगों से ठगी करने वाले इस शातिर गैंग के 8 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके पास से कई उपकरण भी बरामद किए हैं। सर, नखासा थाना पुलिस ने ठगी के गैंग का खुलासा किया है, क्या है मामला? नखासा थाने की पुलिस तथा साइबर सेल के द्वारा एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश आज किया गया है। इसमें कुल 8 अपराधी जिनके नाम राहुल, इंतजार, विष्णुपाल, पुनीत, रोहित, अनुज, विकेश और संदीप हैं। ये सभी जनपद संभल के विभिन्न थाना क्षेत्रों के निवासी हैं। इनको आज गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 1 अदद लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 1 अंगूठा की छाप बनाने वाली मशीन, 1 अंगूठे का स्कैनर, 8 ATM कार्ड, 20 सिलिकन रबड़ की बने हुए नकली अंगूठे की छापें, 4 मोबाइल और 1 अर्टिगा गाड़ी इनके पास से बरामद की गई है। इन लोगों के द्वारा भोले भाले लोगों को जिनके पास सरकारी योजनाओं में विभिन्न प्रकार का पैसा आता है उनको उनके अंगूठे का छाप लेकर उसका एक क्लोन बनाया जाता था। उस क्लोन के बनने के बाद ये AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से जो बैंक ID लगी होती हैं उनमें जिन लोगों के बैंक अकाउंट हैं उनके बैंक अकाउंट से उनका पूरा पैसा निकाल लेते थे और उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे। इनके द्वारा जब भी कोई ग्रामीण किसी जगह पर अपने पैसे निकालने जाता था तो उसके अंगूठे का एक रजिस्टर में छाप लेकर उसकी कॉपी तैयार की जाती थी और उस कॉपी के आधार पर बैंक अकाउंट में उसका पैसा ट्रांसफ़र किया जाता था। इन 8 को आज गिरफ्तार किया गया है। इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध थाना नखासा में 419, 420, 467, 468, 471 और 66 CIT Act इनके अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। अभी तक इनके द्वारा कुल 20 लोगों को इस तरह से ठगने का स्वीकारोक्ति की गई है। इसके अलावा इनसे आगे भी पूछताछ की जाएगी और जो इनका और नेटवर्क है उसका पूरे का खुलासा किया जाएगा। धन्यवाद।